जय हिंद नमस्कार मेरे शेर शेरियों लाडलो लाडलो आप सभी को जय हिंद नमस्कार गुड इवनिंग। हाँ जी नमस्कार नमस्कार सभी को। गुड इवनिंग सभी को जय हिंद राम राम सत श्री अकाल सलाम वालेकुम। आज लाडू जल्दी से इंकलाब जिंदाबाद भाई। हाँ सभी को राम राम जल्दी आ जाओ देखे सभी के सभी लाडू जल्दी आप सभी के आप बता दें कि कल से आपका महायुद्ध शुरू हो रहा है यानी 16 नवंबर कल से युद्ध का आरंभ है SSGD के युद्ध का आरंभ है। क्या आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंडे आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे ये जाके आसमान में दहार दो। ठीक है लाड दो तो कल हो जाएगा आगाज आपके पेपर का। आप में से कोई ऐसा है जिसका कल पेपर है बताओ देखिए कौन कौन है जिनका कल पेपर है यानी कल की डेट में पेपर है 16 तारीख को फर्स्ट इनिंग में सेकंड में थर्ड में या कोई सी में। अच्छा जी जिसका देखिए बताओ देखिए यस यहाँ सर मेरा डेट बताओ और कौन सी पारी में है भाई। हाँ जी जय हिंद नमस्कार नमस्कार। अच्छा जी कल मेरी परीक्षा। अच्छा जी मेरा 17 को है सर जी कल परीक्षा है मेरा। अच्छा जी आ जाओ भाई लाड लो। तो जितने का भी एग्जाम कल है उन सभी को पहले तो बेस्ट विशेष लाड लो और मान लो बाकी जिनका भी बाद में भी है उनको भी बेस्ट विशेष है हमारी तरफ से कि आपने जैसी मेहनत की है वैसा पढ़ना मिले। एग्जाम जो आपका सेंटर है वहां पर समय रहते हैं आप पहुंचो। एग्जाम की पूरी पूरी उम्मीद है आप सभी ने गाइडलाइन पढ़ ली होगी। थोड़ा डर लग रहा है डरना नहीं है भाई डरना नहीं है। अच्छा जल्दी से लाड लो कल पेपर है तो सभी को बहुत ही अच्छे से तैयारी की होगी आप सभी ने। और आज अगर आपको कुछ पढ़ना है तो करंट जीके में आप मंत्रिमंडल पढ़ लीजिए ओलंपिक पैरा ओलंपिक पढ़ लीजिए और कोरोना में चलाई गई योजनाएं पढ़ लीजिए। बेटा अगर आप इस समय पढ़ना चाहते हो तो ये चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इनमें से एक नहीं क्वेश्चन आपका फंसेगा ही फंसेगा। ठीक है लाडलो बोले एक बार भारत माता की। हाँ एग्जाम पेपर का रिव्यू होगा हर एक एग्जाम के बाद में मेरा भी एक वीडियो आएगा आपके सामने क्योंकि कल मैं 2-3 एग्जाम सेंटर पर जाने वाला हूँ और वहाँ के बच्चों से मिलने वाला हूँ कि उनका पेपर कैसा गया कैसा लेवल ले रहा है किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे वो सभी आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे लाड दो। और कल रात 8 बजे क्लास में तीनों पेपरों का एक साथ रिव्यू करूंगा मैं। ठीक है कि जो बीत गया है सो इंकलाब जिंदा कि जो बीत गया है सो दूर ना आएगा इस दिल में शिवा तेरे SSGD कोई और ना आएगा। घर फूक दिया हमने बस राख उठानी है जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है। लाडलो जितनों भी तैयारी आपकी है बहुत ही अच्छी है बढ़िया से शांति से मजे से तैयारी करके पेपर को अच्छे से देना मेरे लाडलो। ठीक है हाँ जी करें शुरुआत। हाँ लाडलो ध्यान रखना जितने भी लाडले अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े लाडलो कमांडो अकेडमी के नाम से है टेलीग्राम। ठीक है कमांडो अकेडमी के नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप है ध्यान रखना इसी नाम से प्ले स्टोर पे आपको एप्लीकेशन मिलेगा। ठीक है वो ज्वाइन कर सकते हो और आप मेरे को पर्सनली अगर मेरे से मिलना चाहते हो तो VEERAT विराट डबल डेस ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी लाड दो। क्लासों की टाइमिंग आप सभी को पता है सुबह 9 बजे स्टेटिक जीके की होती है 11 बजे मैथ की होती है और 3 बजे हिंदी की होती है रात 8 बजे रीजनिंग की होती है। ठीक है भाई ओके लाड लो चलिए पहला क्वेश्चन आपके समक्ष रखते हैं आपकी नजरों के लिए। एक बार जितने भी लाडले जुड़ चुके हैं सभी देखिए दबा के लाइक ठोको भाई एक ही बार उसके बाद वो जरूरत नहीं है। एक आईडी प्रूफ दो फोटो चाहिए एक आईडी प्रूफ फोटो वाला चाहिए लाड लो पूरा पूरा इंस्ट्रक्शन
अभी क्लास के बाद में एक वीडियो जाहिर करूंगा मैं, उसमें आपको टोटल इंस्ट्रक्शन मिल जाएंगे एसएसजीडी पेपर के लिए, ठीक है। नींद बहुत आता है आंखों में मगर सोना नहीं है, ये समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है लाडलो। चलिए जी पहला क्वेश्चन, नीचे दिए गए विकल्पों में से अन्य को छाटे भाई इनमें से अलग कौन सा है, आंदोलन, उलझन, हल्ला गुल्ला, विनाश, इनमें से अलग कौन सा है, विषम कौन सा है, जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ लाडलो। जल्दी से लाड लो, जल्दी जल्दी बताओ देखिए लाड लो कौन सा अलग है। जल्दी से बताओ देखिए लाड लो, आंदोलन, उलझन, हल्ला गुल्ला, बताओ देखिए लाड लो। चलिए वोट करिए, आप में से ज्यादातर लोगों ने वोट किया किसको, विनाश को। देखो आंदोलन, उलझन, हल्ला गुल्ला, ये तीनों अलग बात है, विनाश अलग बात है, विनाश का मतलब होता हानि, ठीक है, विनाश का मतलब क्या होता है, हानि। चलिए भाई अगला देखिए, कलम लेखन सामग्री, पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य, तारा, चित्रकार, कलाकार, बताओ देखें। बताओ लाड लो, आवाज आ रही सभी को, हेलो लाड लो, ध्यान रखना एक मिनट, पहला क्वेश्चन इसमें विनाश नहीं होगा लाड लो, विनाश नहीं होगा, इसमें होगी उलझन। देखो आंदोलन के लिए भी लोगों की आवश्यकता होती है, हल्ला गुल्ला के लिए भी लोगों की आवश्यकता होती है, और विनाश के लिए भी लोगों की आवश्यकता होती है, अलग क्या हो जाएगा, उलझन, क्या हो जाएगा, उलझन, उलझन इनमें अलग होगा लाड लो, आंदोलन, हल्ला गुल्ला और विनाश, तीनों में ही लोग जरूरी है, इसमें लोगों की जरूरत नहीं है। अब इसमें बताओ, कलम लेखन सामग्री, पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य, तारा, चित्रकार, कलाकार, बताओ देखिए जल्दी से, वोट करिए देखिए लाड लो, ज्यादातर लोग सर आप डांस मस्त करते हैं, अच्छा कहां देखा रे, अरे कहां देख लिया, देखो लेखन सामग्री में क्या आ गया, कलम, तारों में क्या आ गया, कलाकार में क्या आ गया, चित्रकार, पृथ्वी और चंद्रमा दोनों अलग अलग है, ठीक है, ग्रह पृथ्वी का उपग्रह है। अगला बताइए, हल्ला, हल्का भारी, अपराध आरोप, छोटा लंबा, पुरुष स्त्री,
जल्दी से बताओ देखे कौन सा अलग है, वोट करिए देखे जल्दी से। नहीं बताओ देखे लाड लो जल्दी से। जल्दी बताओ देखे क्या होगा, हल्का भारी, अपराध आरोप, छोटा लंबा, पुरुष स्त्री। जल्दी से बताओ देखे। आप में से ज्यादातर लोगों ने वोट किया, उसको बोल तो आवाज कम करे। इसको 50% लोगों ने आंसर किया अपराध और आरोप। कितने परसेंट? 50% ने। देखो छोटा लंबा एक दूसरे का अपोजिट, पुरुष स्त्री एक दूसरे का अपोजिट, हल्का भारी एक दूसरे का अपोजिट, तो क्या हो जाएगा अपराध आरोप। अगला बताइए भाई, 78, 91, 84 और 26 इनमें से अलग कौन सा है? बताओ देखिए इनमें से अलग कौन सा है। सही सोच ले, बताओ देखे लाड लो जल्दी से। जल्दी बताओ देखे लाड लो, दिल में द्वंद नहीं पालना है कि द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, राणा के हो तू वंशज फेंक जहां तक भाला जाए। जल्दी बताओ देखे, आप में से लगभग लगभग 90% ने गलत आंसर दिया भाई, 90% गलत। अच्छा कईयों ने सीधा एक स्कीम लगा ली है कि यहाँ पे 91 एक विषम संख्या है, बाकी सभी क्या है सम संख्या है, लेकिन ये नहीं चलेगा। मैं आपको बता दूं 91 आंसर नहीं होगा, 91 आंसर नहीं होगा। उसके अलावा बताओ भाई, 91 आंसर नहीं होगा। अठहत्तर, 91, 84, 26 जल्दी से बताओ देखे। 91 नहीं होगा, आप में से ज्यादातर लोगों ने आंसर दिया 91 जो कि गलत है, 91 नहीं होगा। देखो 78, 91 और 26 तीनों की तीनों जो संख्या है 13 से भाजित है, किससे? 13 से पूर्णतः भाजित है, 84 में 13 का भाग नहीं जाता, यह अलग है। अरे बात समझ आई, 84 में 13 का भाग नहीं जाता, बाकी तीनों में 13 का भाग जाता है। इसमें से बताओ 48, 96, 59 और 12 बताओ देखे लाड लो कौन सा अलग है। हा हा, इस बार तो क्यों नहीं बताएगा, बताओ भाई इस बार तो जल्दी से बता दो। हाँ इस बार दे धड़ाधड़ बता दिए, थोड़ा पन लिखे ना नहीं नॉर्मल है। जल्दी देखे आज 59 क्यों? क्योंकि बाकी तीनों में 12 का भाग जाता है, इसमें नहीं जाता। इसमें बताओ भाई 240, 400, 304, 272 और 210 इनमें से अलग कौन सा है? लाइक एंड शेयर ठोकते रहो लाड लो, 550 बच्चे 550 लाइक होने चाहिए लाड लो इसी क्षण। बताओ देखे जल्दी बताओ लाड लो इसका आंसर, जल्दी जल्दी देखें क्या आएगा। डार्लिंग उमरादा वादा कर दे, टेम्परेरी प्यार बड़ी वार हो गया, रोवे की मुकदरा नु हीरे मेरी ये, जे हीरिया जे यार जे यार खो गया। जल्दी से बताओ देखें, देखो लाड लो इसका आंसर हो जाएगा 210। क्या हो जाएगा 210 क्यों? 210 के अलावा बाकी सभी में आप 4 का भाग दे सकते हो, इनमें 4 का भाग चला जाएगा, लेकिन 210 में 4 का भाग पूर्णतः नहीं जाएगा। अगला देखिए देखे लाड लो, 123, 234, 9, 345, 13 और
256 15, बताइए इनमें से अलग कौन सा है। भाग राइडर ले लिया भाई, नाम बता अलग कौन सा है। बताओ देखे लाड लो कौन सा होगा। बताओ देखे इसमें से कौन सा अलग है, बताओ देखे। और दो मैं तो लाइक ठोके बता देंगे, देखिए कितना बड़ा डोन है, तो ठोके बता ठोक आ ठोक लाइक ठोक के बता दे कितना बड़ा दम है तू। वो बोलते हैं ना पहले छोटे से गुद्दी पकड़ के बता दू, एक बार पकड़ के बताना गुद्दी, हाथ तो लगा के दिखा तो कोई ज्यादा पहलवान होता वही से पकड़ लेता था। गुद्दी पकड़ा है झापट ठोके दिखा एक, अब और कोई पहलवान झापट भी ठोक देता फिर ऐसे। कल बताऊंगा तेरे को देखना, कल पता चलेगा तुझे। और कल एक भाई को बुला के लाएगा उसके को, पहलवान आदमी दोनों को ठोक देगा, फिर दोनों बोलेंगे देख तेरी मम्मी को बोलता हूं मैं, फिर और कुछ नहीं बचता फिर मम्मी को बोलते है। तो ऐसे ठोक के बता देंगे लाइक, नहीं होता था बचपन में, अरे होता था ना है ऐसे पकड़ के मेरे भाई को बुलाने दे है, बोलूं क्या अभी। वो जो पकड़ के गुद्दी पकड़े ऐसे, गुद्दी पकड़ा है ध्यान रखना अगली बार मत तो पकड़ लेना गुद्दी। अब वो इस बार भी नहीं छोड़ रहा है, अगली बार तो बहुत दूर है। देखो बेटा इन तीनों का योग कितना हो जाएगा, छह। इन तीनों का योग नौ, और इन तीनों का योग 12 होता है। लेकिन यहां पर क्या लिखा हुआ भाई, 13, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया ये इनमें से अलग हो गया भाई। बात समझ में आई, अरे बात समझ में आई, हाँ जी। चलिए अगला क्वेश्चन, 53 15, 64 24, 82 17, 27 14, बताओ इनमें से कौन सा अलग है। जल्दी से देखे लाड लो, हाँ बोल रहा लाइक तो ठोकते रहेंगे गुरुजी, लेकिन अभी आतंकियों को ठोकने का बहुत दिल है, आतंकवादियों को ठोकने का बड़ा दिल है, मौका मिलेगा चिंता मत करो, अगर मेहनत की अच्छे से तो पक्का मौका मिलेगा के पाक तेरा ख्वाब नजारा ही रहेगा, ए पाक तेरा ख्वाब नजारा ही रहेगा, तू किस्मत का मारा था मारा ही रहेगा, बावली बूंच तू बेचारा था बेचारा ही रहेगा, और कश्मीर हमारा था, बाकी तुम्हारे को पता ही है। देखो लाडलो इसमें ये अलग हो जाएगा, बाकी सब में क्या है, इन दोनों का गुणा, 5 का 3 से गुणा करेंगे 15, 6 का 4 से गुणा करेंगे 24, 2 का 7 से गुणा करेंगे 14, 8 का 2 से गुणा करते हैं तो आता है 16, लेकिन यहां पर लिखा हुआ है 17 भाई, ठीक है। हाँ जी 12 21 23 32 34 43 55 65, बताइए कौन सा अलग है। ये जो बीत गया है सो दूर ना आएगा, इस दिल में सिवा तेरे, उड़ीसा के शेर क्या बोल रहा था तू, कि इस दिल में सिवा तेरे कोई और ना आएगा, घर फूक दिया हमने बस राख उठानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी और तेरे पड़ोसी की कहानी है बेटा, पता चल गया तुझे है ना। तभी पूरा सेंट पूरा का पूरा डियो डाल दिया शरीर में, एक ही दिन व्हाइट सेट लाया सेंट के धब्बे मार दिए उसमें काले काले तूने। हाँ कईयों को क्या है कि एडवर्टाइजमेंट देख देख के ऐसा होता था कि जितना सेंट लगाएंगे ना उतनी जैसे भाई कन्याएं अपने पास में आएगी, बेटा वो एड है, है? और तू सेंट भी लगा रहा है कोबरा वाला, वो एक दिन लगाओ 7 दिन तक खुशबू रहेगी, उसको चौपड़ लिया चारों तरफ ऐसे ऐसे, अब जिधर से जा रहे लपट आ रही है खतरनाक। देखो इनमें क्या हुआ, स्थान परिवर्तन हुआ है, क्या हुआ भाई स्थान परिवर्तन,
उल्टा कर दिया भाई, उल्टा पुल्टा कर दिया। लेकिन इसमें क्या उल्टा पुल्टा नहीं हुआ, तो ये अलग हो गया। अरे होता है ना कईयों को, मतलब पूरा सेंट ही फूंक देते हैं। ये बताओ भाई, ये में से अलग कौन सा है? जल्दी से बताओ, खिला दो, इनमें से अलग कौन सा है? हाँ? पक्का पक्का, किसी को बताओगे नहीं? अरे जल्दी बताओ, देखे लाड़ दो, और जिसने अभी तक लाइक नहीं ठोका ठोक के बता दूं, ठोक के बता देगा एक बार लाइक, मैं भी तो देखू देखा कैसे ठोकता तू। देख ला लाड़ा, एक बात बता दूं मैं, याद रखना, आज के समय वो पहली वाली बातें चली गई है। पहले क्या होता था, आजकल भी कई पुराने अपने जो पूर्वज है वो आज भी करते हैं, जब लड़की देखने जाएंगे ना, 5 लोगों को साथ में लेके जाएंगे। अब 5 में से 1 बोल देगा ये लड़की की थोड़े से इधर बाल कम है, अरे बावली तरेड़ बाल ही है, दूसरे लग जाएंगे, बेटा अगर ऐसे लेके गया ना फंक्शन कभी सेठ बैठेगा ही नहीं। और एक बात और, जब लड़की देखने जाओ ना, एक शीशा जरूर साथ में लेके जाना, एक बार लड़की को देख के एक बार अपना बबूता भी देख लेना है। लड़की को देख के एक बार हल्के से खुद का भी देख लेना कि हाँ महाराज 29 साल पूरी हो गई, और 2-3 साल बाद में वैलिडिटी प्लान भी खत्म हो जाएगा, ठीक है, साइंस भी कुछ नहीं कर पाएगी, ठीक है, दिल्ली सरकार ने भी 10 साल पुरानी गाड़ियों को लेना बंद कर दिया है, तो तुम तो 29 क्रॉस कर रहे हो बेटा, ठीक है, तो किसी को साथ में मत ले जाना, जैसे सेठ बैठ रहा है मामला के, ओके रेडी डन। देखो इन तीनों को जोड़ो क्या हो जाएगा, 7, इन तीनों को जोड़ेंगे तो 8, इन तीनों को जोड़ेंगे तो 6, और इनको जोड़ते तो कितना होता बेटा, 5, लेकिन यहां पर लिखा हुआ 3, तो आंसर आपका हो जाएगा डी। हाँ जी चलिए भाई, दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है? अच्छा इसके विकल्प दिए ही नहीं है, तूफान, वर्षा, बाढ़, मानसून और सती, इनको सही क्रम से बताइए भाई, जल्दी से बताओ, सबसे पहले क्या आएगी? तो फिर पहला कैसे बता रहा है, जल्दी से बताओ, देखे लाड़ लो, अच्छे से देख लो, बताइए कौन सा इसको सही क्रम को दर्शाता है? हाँ जुबा केसरी खाके जाना लड़की देखने, हाँ तो जुबा केसरी बोलोगे फिर बेटा, पर ऐसा नहीं हो, तू तो जुबा केसरी खाया, अगली रजनीगंधा दबाए बैठी हो, है मान ले अगली गंजेड़ी हो, भारी हो जाएगा काम, फिर बताओ देखे जल्दी से। हाँ रे, हाँ पक्का, देखो सबसे पहले क्या आएगा, मानसून, फिर आएगा तूफान, फिर आएगी वर्षा, वर्षा के बाद में आएगी बाढ़, और बाढ़ के बाद में क्षति होगी भाई, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर लाड लो। हाँ जी, खेपरों को खोल जमाना उड़ान देखता है, धरती पे बैठ के क्या टुकुर टुकुर आसमान देखता है? आय, रुतबा, शिक्षा, तंदुरुस्ती, नौकरी। ओहो, है यहां पर एक ऑप्शन और डालना था, छोकरी, नौकरी के तुरंत बाद छोकरी, नहीं तो देख लेना बेटा, बता देगी आंसर। सबसे पहले हाँ बताओ, देखे लाड लो सही आंसर, देख लेना इसमें, देखो सबसे पहले क्या होगी, ओहो देख लो तुम्हारे खुद में जो बीत रही है बेटा, हाँ, देखो बेटा
सबसे पहले क्या होगी? शिक्षा। और जो ढंग से शिक्षा करेगा उसकी तो क्या हो जाएगी? नौकरी। और जो नहीं करेगा बाबू सोना करेगा। देखो ये शिक्षा के बाद जो नौकरी वाला ना केवल 20% के लिए राइमिंग करता है, शिक्षा और फिर बाबू सोना, शिक्षा के तुरंत बाद। तो जिनकी हो जाएगी झंड, जिनकी शिक्षा के बाद में लग जाएगी नौकरी, और नौकरी से क्या होगा बेटा? आय। आय से बनेगा रुतबा, और जब रुतबा आएगा तो तंदुरुस्ती अपने आप ही आ जाएगी। फिर ऐसे चलेगा कर्म गांव में, पेट का पानी भी नहीं लगेगा। ये पूरी प्रेस किया हुआ सेट पहनेगा ऐसे। कंधा, कलाई, कोहनी, हथेली, उंगली, सही क्रम से डिसाइड करिए। बताओ देंगे बताएंगे कि कौन सा सही होगा मेरे लाडलू। जिसने अभी तक लाइक नहीं ठोका ना, ठोक के बता। अरे अपनी भैंस का दूध पिया तो ठोक। देखो लाडलू, सबसे पहले आपकी आएगी उंगली, लेकिन किसी के करना नहीं है, ध्यान रखना। ये उंगली बहुत खराब चीज है, किसी उंगली की तोड़ देगा वो। उंगली पहली चीज। उंगली के बाद में क्या आएगी बेटा? हथेली। हथेली के बाद में कलाई। कलाई से कोहनी। कोहनी से कंधा। ठीक है कि मैं बातें भूल भी जाऊं मगर लेजे याद रखता हूं। मैं बातें भूल भी जाऊं मगर लेजे याद रखता हूं, जिन पे डालू मैं बोझ वो कंधे याद रखता हूं। लाड लो बताइए। देखें नीचे दिए गए पासा को दर्शाया गया, उस पासे को देखकर बताइए कि पांच के विपरीत पलक क्या होगी। पांच की विपरीत फलक क्या होगी लाडलो? जल्दी से बताओ। देखिए किस किस को पता है पांच की विपरीत फलक? जल्दी से बताओ बताओ। देखिए लाडलो जल्दी से जल्दी बताओ लाडलो। मैंने एक दिन पासा पढ़ाया था, बताओ रे ये कौन सा पासा है? देखो जिसमें पांच की फलकों का योग सात नहीं होता है, इसमें पांच की फलकों का योग सात हो रहा है, किसी भी फलक का योग नहीं, तो ये कौन सा पासा है बेटा? मानक पासा है। कौन सा पासा है? मानक पासा है। और मानक पासा का नियम क्या कहता है कि इसकी विपरीत फलकों का योग हमेशा सात होगा, तो पांच के विपरीत क्या रह जाएगा? दो। ऑटोमेटिकली पांच के विपरीत कौन सा हो जाएगा? दो, क्योंकि पांच और दो सात, हम सात सात है। मानक पासा का कहना यह होता है कि विपरीत विपरीत फलकों का योग क्या होगा बेटा? सात होगा। अगला बताइए भाई, नीचे दी गई पासे की आकृति में बाईं ओर स्थित पासे की निचली सतह पर कौन सा अंक अंकित है? बताओ भाई, दो के विपरीत। दो के विपरीत देखो, नीचे दर्शाई गई पासे की स्थिति में बाईं ओर स्थित पासे की निचली सतह पर कौन सा अंक आएगा? लाड़ दो, दो के विपरीत बताओ। देखे दो के विपरीत क्या आएगा? जल्दी लाड लो, जल्दी देखे मेरे मुर्गो, जल्दी बताओ। दो के विपरीत देखो, दो के पास में कौन है? एक और पांच, तीन और चार, तो दो के विपरीत क्या हो गया भाई? छह हो गया। बाकी इसको घड़ी वाइज आप चला सकते हो, घड़ी की तरह। घड़ी कैसे चलती है भाई? ऐसे। तो ऐसे आप भी लिख सकते हो, जैसे दो, एक और पांच, फिर इसको लिख लो दो, तीन और चार। अब जिसका भी पूछ रहा आप बता दोगे। बात समझ आई? अरे समझ में आई तेरे और तेरे लुगाई के।
बताइए तीन के विपरीत, तीन के विपरीत क्या होगा लाडलो? बताइए इस दी गई पासे की आकृति में तीन के विपरीत क्या होगा? हाँ ये रवि कुमार बोल रहा है गलत वालों तुम्हारे वजह से हमारा हौसला बढ़ रहा है। सही बात है बेटा, इनके गलत आंसर आते हैं तो तेरे को लगता है कि हाँ अपनी तैयारी ठीक है, मामला सेट है यार, तू बिल्कुल अप टू डेट है। जल्दी से देखे बताइए, देखे लाड़ लो। और ये आंकड़ा जितने 800 बच्चे लाइव है तो 800 ही लाइक ठुकने चाहिए भाई स्क्रीन पर, ठोको देखे दबा के। देखो लाड़ लो वही काम कर लो, घड़ी एंटी घड़ी वाइज क्लॉक वाइज कर लो, तो दो उसके बाद में इसमें पांच और फिर उसमें क्या बेटा दो उसके बाद में एक और छह, तीन के विपरीत क्या आ गया? छह आ गया। तीन के विपरीत क्या आ गया भाई? छह आ गया। लेकिन मैं आपको बताऊं आप में से मात्र 36% का आंसर सही हुआ, बाकी सबका गलत है। गई भैंस पानी के अंदर भाई, गई ना? हाँ जी गई भैंस पानी के अंदर लाड़ लो। अगला देखिए, नीचे एक घन के चार हिस्से दर्शाए गए, यदि उनके शीर्ष पर छह है तो छह के विपरीत बताना भाई, छह के विपरीत फलक पर क्या आएगा? छह के विपरीत फलक पर क्या आएगा लाडलो? जल्दी से बताओ देखिए लाडलो, छह के विपरीत फलक पर क्या आएगा? अरे साधन पासा यानी चार पासे चल रहे हैं, जल्दी से बताओ देखिए लाडलो, छह के विपरीत क्या आएगा? अरे साधन पासा क्या बनेगा? जल्दी से बताओ लाडलो, छह के विपरीत फलक क्या होगा? देखो इसमें क्या होता है कि सामाजिक जीवन से पासा थोड़ा सा अलग होता है, सामाजिक जीवन से थोड़ा सा अलग होता है पासा। कैसे? दैनिक जीवन में क्या है कि जो सात वाला होता है ना वो दुश्मन नहीं होता है, दुश्मन होता है इसमें नहीं होता। छह है आपसे, छह का पूछा, छह के विपरीत कौन है? तीन और दो, पांच और चार, तो जो पड़ोसी है ना वो अपोजिट साइड नहीं हो सकते। समाज में ऐसा है कि पड़ोसी ही अपोजिट साइड है, लेकिन पासे में एक खास बात है कि इसका पड़ोसी पड़ोसी ही होता है। तो अब बचा कौन? एक। तो छह के अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा? एक। बात समझ में आई? अरे बात समझ में आई? जो पड़ोसी होता है ना बेटा वो दैनिक जीवन में यानी नैतिक जीवन में अपने पड़ोसी कह रहे ना, मुंह में राम और बगल में चूरी, पड़ोसी सोचेगा अरे अभी सोच रहा कहीं इसका लग ना जाए। अरे तुम भी पक्के पड़ोसी हो, तुम्हारी लग जाएगी तुम भी उनकी छाती पे बजाओगे डीजे। हाँ तुम कौन से कम हो बेटा, उनको पता है छाती पे हमारी डीजे बजाना, बताओ देखें क्या आएगा। बताओ देखे लाडलो, जल्दी से बताओ मेरे लाडलो क्या आएगा, थोड़ा जल्दी जल्दी बताओ देखे क्या आएगा आंसर, जल्दी से देखे मजा आने दो भाई, जल्दी जल्दी करो, जल्दी आंसर दोगे तब ना, जब तुम जल्दी आंसर नहीं दोगे तो सर जी कैसे जल्दी कराएंगे भाई। तुम जल्दी आंसर दो तो सही, तो हम भी जल्दी कर देंगे, घेर चेंज कर देंगे, तुम जल्दी आंसर दोगे तब ना चेंज करेंगे, ऐसे कहां से चेंज करेंगे भाई। बताओ देखिए सही सही आंसर, हाँ जी। अरे इतना इजी क्वेश्चन है लेकिन आप में से लगभग लगभग सारे फेल हो गए, सब फेल। कह रहा हौसला वो मंजर भी आएगा प्यासे के पास चलकर, समंदर भी आएगा
लेकिन तुम्हारा लिए एक जानकारी बता दूं कि 3 साल बाद SSGD फिर आएगा लाडलो। देखो कितना प्लस हुआ है, 9, कितना प्लस हुआ है, 16, कितना प्लस हुआ है भाई, 25, और कितना प्लस हुआ है भाई, 36। तो अगला कितना प्लस होगा भाई, 49। क्यों? 3 का वर्ग 4 का वर्ग 5 का वर्ग 6 का 7 का वर्ग प्लस होगा तो क्या जाएगा, 600 गुण 76। प्रमोद कुमार केवल आपका सही है भाई, बाकी सबकी भैंस पानी के अंदर भाई। कहां गई है? पानी में गई भाई तुम्हारी भैंस। चलिए देख लीजिए अगला क्वेश्चन, इसका बताइए देखिए क्या आएगा। बताओ देखिए, बेहद इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बताओ मेरा। चलिए इस बार कमेंट बताओ देखिए आप में से किसका सही आता है। हाँ जी बिल्कुल, प्यार करेंगे सीधा दिल पे वार करेंगे, डार्लिंग डोंट वेरी हो जाओ। गलत वालों मेरा सिलेक्शन फिक्स है। हाँ ये गलत वालों की वजह से जिनके सही आ रहे हैं उनको एक कॉन्फिडेंस आ रहा। बेटा देखो इसमें क्या हुआ है कि प्लस 5 फिर 6 फिर प्लस 5 फिर 11 11 फिर प्लस 5 तो 16 16 फिर प्लस 5 करेंगे तो 21, यानी 16 21 ये रहा भाई। चलिए अब यहां से आपके बीच में कंपटीशन करते हैं शुरू। 22 से लेकर 26 तक 5 क्वेश्चन सही बताने वाले को ₹5,000 का नगद पुरस्कार फोन पे द्वारा तुरंत, गूगल पे फोन पे रोजर पे हो तैयार तो बोल भारत माता की, जोर से बोलो देखिए भारत माता की, दिल खोल के बोलो भारत माता की। अरे नारा पाकिस्तान तक पहुंच जाना चाहिए भाई, तारा पाकिस्तान जा सकता है तो हमारा नारा नहीं जा सकता क्या? चलिए बताइए पहला क्वेश्चन आपके समक्ष, बताइए देखिए क्या आएगा लाडलो। अच्छे से सोच ले, बताओ देखिए लाडलो। जल्दी से बताओ देखिए पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए ₹5,000 के लिए लाडलो, कितने रुपए के लिए, ₹5,000 के। देखते हैं कौन होता है विजेता, ₹5,000 आज जीतने वाला सूरवीर कौन है। देखें अभी बताएंगे देखिए कौन है ₹5,000 का नगद पुरस्कार जीतने वाला, किसकी तैयारी कैसी है। आज देखिए जरा किसमें कितना है दम, ₹5,000 भाई, देखिए कौन जीता आज। लाडलो देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, 6 प्लस 4 10 10 प्लस 4 14 प्लस 4 1 क्रम तो ये, दूसरा 6 प्लस 5 11 11 प्लस 5 16 16 प्लस 5 21 क्या आएगा बेटा, 21। तो जिस जिसके 21 आए उनको छोड़ बाकी सबकी भैंस पानी के अंदर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये लो बंदर ₹5,000 के लिए क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है बताइए देखिए क्या होगा सही। हाँ उधारी नहीं करेंगे आज, आज केस का मामला भाई, कोई उधार की बात नहीं करेगा। कौन है ये उधार वाला, यहां किस लिए आया है, यहां नकदी में काम होता है उधार में नहीं, बताओ देखे लाड लो जल्दी से। बताओ लाड लो जल्दी से, इस क्वेश्चन का आंसर बता देगा ना, मान लेंगे भाई बहुत ही बड़ा धुएंदार और बहुत खतरनाक खिलाड़ी है।
वाह कैसे? कहाँ हो रहा है? अच्छा, इसको क्या किया पहले? क्यों? इधर तो नियम एक हिसाब से चलता है। अरे है तुम तो बताओ देखिए आंसर। 5,000 रुपये वाले बेटा भी क्या रहा है? 355 तो ऑप्शन ही नहीं है। तुक्का नहीं मारना, आंसर दे सही से। बताओ भाई। अरे बताओ लाडलो, है तुम किसी में? अभी तक तो मेरे को किसी एक या दो बच्चे का सही आंसर दिखा है इतनी देर में, मात्र एक या दो। और आपने सबसे ज्यादा वोट किया है 676 पर। किस पे किया है? 676 पर, जो कि बिल्कुल गलत आंसर है भाई। आप सबके मुझे नहीं लग रहा कि आज कोई 5,000 रुपये लेके जाएगा। आज सब हार जाओगे तुम। कैसे? हाँ 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 एक लड़का वही पकड़ लिया है 5,000 रुपये का इनाम जीतने के चक्कर में पकड़ लिया आंसर को। देखो देखो मगर प्यार से, क्योंकि पहले ठोको लाइगर फिर मैं बताता हूं इस क्वेश्चन को। देखो अब आंसर किसका सही है। सबसे पहले क्या हुआ, इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है? 7 का। इन दोनों के बीच में 21 का। देखो इन दोनों के बीच में 7 का, इन दोनों के बीच में 21 का, और इनके बीच में 63 का, और इनके बीच में जल्दी से बताइए, इन दोनों के बीच में 1। पक्का? देखिए अब आप यहां पर एक चीज कॉमन देखेंगे, क्या? 7 × 3 21, 21 × 3 182, ये 63, 63 × 3 189, और 189 × 3 कितना जाएगा? नहीं, 9 × 3 27, 8 × 2 8 × 3 24, और 2 × 26 567, और 281 में 567 जब जोड़ेंगे तो 855 हो जाएगा। लाड लो आंसर क्या हो जाएगा? हाँ जी, 800 555। 5,000 रुपये की रेस से बहुत सारे घोड़े हो गए हैं बाहर, और जिनका सही है वो भी है रेस में। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए 5,000 की रेस में। अच्छा इनमें से आपको बताना है गलत कौन सा है शायद। हाँ ये है ना ऑप्शन में ऊपर दी गई संख्या ही बताओ। देखिए गलत कौन सा है इनमें से, गलत कौन सा है भाई? हाँ देखते हैं कि कौन लेके जाता है आज 5,000 रुपये। डेली डेली ठगाई हो जाती है मेरी। भाई डेली डेली क्या हो जाती है मेरी ठगाई हो जाती है भाई। जल्दी बताओ लाड लो। इसका आंसर बता दो मेरे लाडलो। 5,000 रुपये की नगद राशि के लिए बहुत करीब आप। 5,000 रुपये, अरे है दम तो दिखा दो देखिए अपना दम कि क्या होगा इसका आंसर। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, कमाल का। क्या होगा? ना 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 मुन्ना ना, बताइए लाडलो। हाय हाय शर्मा गई का? नहीं जी ना शर्मा, ये फोन काट दी। मम्मी आ गई का?
अरे मम्मी की तो कोई टेंशन नहीं है, मम्मी की तो सामने बातें करती है आजकल। देखो बेटा, किसी में था अंतिम था सेकंड, अपना आंसर लिखिए 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ओके जी बताइए। ओहो बहुत सारे लोग विफल हो गए हैं, बहुत ही गलत आंसर दे रहे भाई। देखिए भाई क्या होगा, यहां पर क्या लिखा हुआ है, 2 और 2 का वर्ग कितना होता है, अगर माइनस एक करेंगे तो 3 का वर्ग, 9 माइनस एक करेंगे तो 8, 8 का वर्ग 64 माइनस एक करेंगे तो 63, जबकि यहां पर क्या लिखा हुआ है 62, तो गलत क्या है इसमें, 62 गलत है। ठीक है 63 का होगा वर्ग, 62 का नहीं हो। बताइए लेकिन इनमें से कौन सा गलत है, बताइए लाड दो इनमें से कौन सा गलत है। देखते ही आंसर आ जाना चाहिए, देखते ही जल्दी से आंसर दो मेरे लाड दो मेरे सूर वीरो देश के वीरो, देखते देखते आंसर आ जाना चाहिए ऐसे झट से झट से। हाँ जी जल्दी से दीजिए, देखिए आंसर किसमें कितना है दम, हाथ देखिए जरा किसमें कितना है दम, 5,000 रुपए का नगद पुरस्कार जीतने की राह में कौन अभी तक खड़ा, बताइए किसके 4 के 4 सही अभी तक। इसके बाद एक अंतिम सवाल होगा पांचवा। देखो बेटा 1 का क्यूब माइनस 1, 2 का क्यूब माइनस 2, 3 का क्यूब माइनस 3, 4 का क्यूब माइनस 4 करेंगे तो क्या आएंगे 60 आएंगे, क्या आएंगे 60 आएंगे, लेकिन यहां पर क्या लिखा हुआ है 50 लिखा हुआ है। हाँ जी 50 लिखा हुआ है, इसी कारण गलत कौन सा हो गया, 50 हो गया। लाड दो ध्यान रखना कल एसएससी जीडी के तीनों शिफ्ट के पेपर का रिव्यू आपको पहले एक वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा, हर एक पेपर जैसे पेपर होगा इसी चैनल पर, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप नहीं जुड़े हो तो बता दूं कमांडो अकेडमी के नाम से हमारा एप्लीकेशन है, वहां पर मेरे हाथ से लिखा हुआ आपको पेपर भी मिल जाएगा कमांडो अकेडमी। अगर आपने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है तो कर लीजिए लाड लो, ठीक है। साथ ही हर जैसे पेपर होगा शिफ्ट खत्म होगी उसके आधे घंटे में अगले 30 मिनट बाद मेरा एक वीडियो आएगा जिसमें उस पेपर के बारे में टोटल जानकारी कि कहां से क्वेश्चन आए, किस प्रकार के क्वेश्चन आए, पेपर का स्तर कैसा रहा, करंट जीके कितने आए, रीजनिंग में किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, आकृतियों वाले क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, टोटल जानकारी हर एक पेपर के बाद में आपको मिल जाएगी लाड दो, ठीक है। और जिसने अभी तक कमांडो अकेडमी का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया कर लेना लाड दो। अरे ठीक है चाहिए एक नई जानकारी बता दो, यस और नो, नहीं तो फिर मैं किस लिए जाऊं, मेरे से बहुत दूर है, बताओ जानकारी चाहिए कि नहीं। हाँ जी जानकारी चाहिए तो आपको मिल जाएगी लाड लो, जितने भी नए हैं कौन कौन नया है क्लास में लिखो न्यू, तो जितने भी नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना लाड लो, आपको मिलती रहेगी पूरी की पूरी संपूर्ण जानकारी। नए वाले कितने लिखो देखे न्यू, बताइए इनमें से कौन सा गलत है। कौन सा गलत है यानी अलग है इनमें से, पुराने वाले की कोई इज्जत नहीं है, अरे पुराना अपना घर का आदमी है यार, पुराने वाले क्या है, ये तो अपने घर के आदमी, पुराने को कोई टेंशन नहीं है, नए आदमी को थोड़ा प्यार से रखना पड़ता है। अरे पुराने वाले तो जानते हैं मेरे को अच्छी तरह से, पुराने वाले क्या है सबको पता है। तो मेरे लाड लो तुम्हारा लाड खत्म हो गया, तुम पुराने हो गए, नए वाले कौन है मेरे लाड ले लाड लिया, तो नए वाले लाड लियो लाड लियो। आप अगर नहीं जुड़े कमांडो अकेडमी एप्लीकेशन और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए बेटा, ठीक है, आपको पेपर के बारे में टोटल जानकारी मिल जाएगी।
ठीक है। अब देखिए इनमें से अलग कौन सा है, एक कॉमन चेज देखिए, इनके दोनों के जो अंतिम पद है ना वो समान है, जबकि इसमें क्या है अलग है। तो क्या हो जाएगा बेटा, 564 अलग हो जाएगा भाई। बात समझ में आई? लव यू सर जी, लव यू टू जी। इसमें बताओ बेटा क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, यहां पर एक क्वेश्चन मार्क है, यहां पर क्या आएगा बताओ, क्या आएगा? सही बता रहा तू, बताओ। देखिए आप पुराने हमारे को पूरी तरह से जानते हो लाड, तो आपको कुछ बताने की जरूरत है नहीं, ठीक है। नए वाले इनको थोड़ा सा, नए इनको थोड़ा इनको प्यार से रखना पड़ता है, नहीं नहीं को नया 9 दिन का होता है, पुराना 100 दिन का होता है, ये भी कल पुराने हो जाएंगे, कल और नए आएंगे है? कि मैं पल दो पल का शायर हूं, पल दो पल मेरी कहानी है। लाडो देखो क्या आएगा, एस देखो, पी प्लस दो प्लस दो प्लस दो, यू माइनस दो माइनस दो माइनस दो, तो क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। लाडो एक बहुत ही प्यारी सी मेरे को जो लाइन है वो जा नहीं रही दिमाग से, कौन सी, कि जो बीत गया है सो वो दौर ना आएगा, इस दिल में सिवा तेरे पुराने वालों कोई और ना आएगा, घर फूक दिया हमने बस राख उठानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है। लाडलो बताइए क्या है क्वेश्चन मार्क की जगह, क्या आएगा? जल्दी जल्दी मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी। देखो लाड लो क्या होगा, यहां पर क्या हुआ है, माइनस एक, फिर माइनस एक कहां, माइनस दो, माइनस तीन, तो डब्ल्यू में से तीन जाएगा तो इधर क्या हुआ है, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर होगा तो ओ, तो टी ओ कहां है, ये रहा बेटा टी ओ। ओके टी ओ टी ओ। लाड लो जिसने अभी तक लाइक नहीं ठोका ठोके देखे ठोके, लाड लो लाइक काहे नहीं ठोक रहे भाई, बचा के कहां लेके जाओगे। ए एन बी ओ सी पी डी क्यू, अगला क्या आएगा बेटा, पी क्यू, जल्दी से बता दे मेरे लाडले अगला क्या आएगा। SSC GD कल एग्जाम आपके शुरू है, ध्यान रखना बेटा, पेपर को अटेंड करते समय पूरी सावधानी बरतना, ठीक है, पूरी सावधानी बरतना, पूरा एकाग्रते तन्मयता के साथ में पेपर को देना तसल्ली से। क्या आएगा, A B C D E, बहुत ईजी है, बताओ देखिए। ये तो बहुत ईजी है यार, देखते हैं पता चलता भाई। हो गल गलते शक कर दार जरा भी नहीं, हा तेरी आंखों च मेरे लिए प्यार जरा भी नहीं, तू सब जानदा है मैं छड नहीं सकदी तेनू, ताही तांगला ते रोज नचांदे मैनू, अगले जन्म विच अल्लाह ऐसा खेल बना के भेजे, मैनू तू बना के भेजे, तेनू मैं बना के भेजे, के फिर तेनू पता लगना कि मैं पींदा। इसमें क्या लाड़ दो, बी सी ए, बी सी ए, बी सी ए, बी सी ए, फिर बी सी ए, फिर वापस बी सी ए, ये आ जाएगा।
इसमें एक कर्म चल रहा है, कौन सा? PCA, ठीक है। इसमें बताओ देखे, अच्छे से देख, बताओ दे लाड लो क्या आएगा। बताओ देखे लाड लो कौन सा होगा। अरे बताओ भाई, बताओ। अरे बैठा के देख लो सबको, एक्स जेड वाई, वाई जेड वाई, एक्स जेड एक्स, फिर वापस वाई जेड वाई, एक्स जेड एक्स, बिल्कुल सही। हाँ जी बैठ गई है बात, बिल्कुल सही बैठ गई है बात। देसियां जी देसियां, इसमें लुकोना के देखो बेटा, इसमें क्रम बनेगा वाई जेड वाई, एक्स जेड एक्स, फिर वापस वाई जेड वाई, एक्स जेड एक्स, फिर वापस वाई जेड वाई, एक्स जेड एक्स। तो वाई एक्स जेड वाई जेड कौन सा है? वाई एक्स जेड वाई जेड, ये आपका आंसर हो गया बेटा। बात समझ में आई कि टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर जुड़ ना पाया। अब तुम ये बताओगे यहां क्वेश्चन मार्क के समय क्या आएगा भाई, बता देखें। बताओ देखे क्या आएगा। एक बार लाइक का आंकड़ा 1000 पार होना चाहिए। देखे लाड लो जिसने भी देखने ठोका ठोको, देखे बताओ देखे लाड दो इसका आंसर, किस किस को आता है, किस में कितना है दम, जल्दी से बताओ देखे लाड दो, जल्दी मेरे मित्रों जल्दी जल्दी से बताओ देखे लाड दो, जल्दी से बताइए, तनिक जल्दी कर लीजिए भाई, ज्यादा नहीं प्लस तनिक जल्दी कर लीजिए। देखो बेटा क्या हुआ है, गजब का क्वेश्चन है, आपके होश उड़ा दिए। अरे कौन दावा करता है इस क्वेश्चन का सही का, जो सही का दावा करता है ताल ठोके गुरुजी यही होगा। है कोई एक भी ऐसा प्राणी, कोई एक सिंगल वन पीस है? उससे पहले देखे लाइक आंकड़ा 1000 पार होना चाहिए इसी क्षण, इसी क्षण का मतलब है इसी क्षण। सात होगा आंसर, नहीं होगा ये ले, मैं बता दूं सात आंसर नहीं होगा। आपने सबसे ज्यादा आंसर पे क्लिक किया, सात जो कि आंसर नहीं होगा ये ले। अब बोलो इसके अलावा कोई जिन्होंने सात बोला उनकी भैंस पानी में गई। हाँ अब सबसे ज्यादा आंसर आ रहा है नो, तो तुम्हारी भी भैंस पानी में गई आज बेटा, दो भैंस साथ में चली गई है। ओहो 10 वाले आ गए अब, तो बेटा तुम्हारी भी जोड़ में गई साथ में, तीनों की भैंस गई पानी में। पूतरा पकड़ के तुम पीछे लमूट रखे हो। अब बता दो कि 8 आएंगे सर जी, तो बेटा तुम्हारी भी भैंस नहीं पानी में नहीं गए भाई, तुम बच गए हो। देखो कैसे इन दोनों का गुना करो कितना आएगा, 6 चौक 24 प्लस 1 इंटू 5 125, इन दोनों का गुना 8 7 56 और प्लस 1 करके 57 का इससे गुणा कर दिया, इन दोनों का गुणा 66 प्लस 1 67।
अब 67 को किससे गुणा करें ताकि 536 आ जाए? 8 से गुणा करेंगे, किससे करेंगे? 8 से। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे बेटे? 8 हो जाएंगे मेरे लाडले। क्या हो जाएंगे? 8। तुम्हारे आए थे 8, तुम्हारे आए थे 8। अरे लड्डू लाल, इसका बता दे देंगे क्या आएगा, इसका बता क्वेश्चन मार के जगह क्या आएगा, है कम तो दिखा। के मां तेरा लाल जब खड़ा होगा दुश्मन जमीन के 10 फुट नीचे खड़ा होगा, बता दे क्या आएगा, बता दे। बताओ क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है? बहुत ही इजी कॉम्बिनेशन, वेरी इजी कॉम्बिनेशन, बहुत इजी आंसर है 50 52 60 55, इट्स वेरी इजी। लेकिन तुम्हारे को नहीं आता? अरे वाह रे वाह, तुम्हारे में से कईयों की भैंस पानी में गई है सीधी की सीधी। तो लाडलो सभी को बता दूं, कमांडो अकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना लाडलो, कल आपको ऐसे चीटी का जैसे पेपर होगा आपको वहां पर मेरे हाथ से लिखा हुआ पेपर मिल जाएगा, ठीक है? हाँ जी, बिल्कुल सही है सुमन खुशवा बेटा, गजब आंसर। देखो इन दोनों को जोड़ दो, कितने हो गए? 5 और 5 को 4 से गुणा करोगे तो इन दोनों को जोड़ दो कितने हो गए? 7 और 7 को 5 से गुणा करोगे तो 35, इन दोनों को जोड़ दो कितने हुए? 10 और 10 को 6 से गुणा करोगे तो 60। क्या हो जाएगा बेटा? 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा मेरे लाडले। हाँ जी, इसका बताइए। देखें मुस्कुराई आप लखनऊ में, इसका बताओ देखे लाडलू। बताओ देखिए इसका क्या आएगा? जल्दी से बताओ देखिए लाड दो, इसमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा आंसर? चलिए, हमारे किसके बेटे को रुलाया मेरी नाम कभी नहीं लेती? अरे भाई प्रेम करकास में तो नाम लेती बेटा, समझ में नहीं आती कि कब तुम्हारा नाम लेती। बताओ भाई, बताओ देखे लाड लो क्या आएगा? इसका आंसर बता दो मेरे लाड लो, मान जाएंगे कि आप बहुत ही बड़े धुरंधर, बहुत ही धुएंदार खिलाड़ी हो। है दम किसी में? भैंस का दूध पिया तो बता, बता अगर गाय का दूध पिया तो बता। बेटा सारे कमेंट देख रहा हूं, जब आंसर नहीं आता ना इनको तो हंसने वाले इमोजी भेजते रहते हैं। आंसर बता बेटा, ऐसे नहीं काम चलेगा। है कभी ऐसे वाला, कभी ऐसे वाला इमोजी भेजते हैं जब किसी को समझ नहीं आता, हो छूट जाते ना जरे। क्या होगा भाई? बोलता 11, देखो 13 × 3 + 21 × 5 कितने हो जाएंगे? 144। कितने हो जाएंगे? 144। इसको रूट से बाहर निकालोगे तो 12। इसी प्रकार बेटा इनका 18 × 4 + 8 × 9 इनको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 144। इसको रूट में डाल दोगे तो क्या जाएगा? 12। क्या जाएगा आंसर? 12 आ जाएगा। हाँ जी 12 आंसर आ जाएगा लाड दो। क्या जाएगा? 12। चलिए अगले क्वेश्चन, एसएससी जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है, लड़का खिलाड़ी छात्र, लड़का खिलाड़ी छात्र, एसएससी जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है। देखता हूं कि कितने लोग इसका सही आंसर दे पाते हैं भाई, और पानी की दो घूंट भी पी लेता हूं। बताओ भाई,
क्या होगा बताओ भाई? अभिषेक जी गलत आंसर बता रहे हैं जी आप। एसएससी जीडी में आया हुआ लड़का खिलाड़ी छात्र, क्या होगा आंसर? कौन सा होगा? लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है, क्या होगा आंसर? डी, कि कुछ लड़के खिलाड़ी होते हैं, कुछ छात्र भी तो खिलाड़ी होते हैं, लेकिन लड़का होगा वही तो छात्र होगा। तो क्या हो जाएगा फिर आंसर? देखो, कुछ लड़के लड़ियां भी तो चराएंगे, कुछ लड़के छात्र होंगे और कुछ खिलाड़ी होंगे। कुछ छात्र नहीं होंगे, वो अपनी भैंस लेके जाएंगे तालाब में, उनकी भैंस वहीं फंस जाएगी। भाई अगला क्वेश्चन देखिए, आया हुआ क्वेश्चन है खिलाड़ी क्रिकेटर बल्लेबाज, खिलाड़ी क्रिकेटर बल्लेबाज, बताओ देखिए आंसर क्या होगा? खिलाड़ी क्रिकेटर बल्लेबाज क्या होगा इसका आंसर बताओ देखिए लाड़ लो। खिलाड़ी क्रिकेटर और बल्लेबाज क्या होगा? और आप में से ज्यादातर लोगों ने आंसर दिया बी को कितना परसेंट? 75% आपने आंसर दिया बी। वाह रे वाह मेरे सूरवीरों, क्या आंसर टेका है भाई, क्या आपने फड़ा फेंका, बहुत ही जबरदस्त तुक्का फेंक दिया, पर्वतों के पार तुक्का फेंक दिया तुमने। अरे देखो, जो खिलाड़ी होगा ना वही क्रिकेटर होगा, कोई भैंसे चराने वाले क्रिकेटर थोड़े ना होते हैं, और जो क्रिकेटर होगा वही बल्लेबाज होगा मेरे लाडलो। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, और तुमने फड़ा फेंका है यहां पे। अरे तुक्का थोड़ा तो सोच समझ के बोला करो, तुक्के बाजो नहीं ये होगा। अरे खिलाड़ियों के अंदर ही होते ना बल्लेबाज, बल्लेबाज होते हैं सभी खिलाड़ी। अरे सुनो, खिलाड़ी के अंदर क्या आ गए? क्रिकेटर आ गए, और क्रिकेटरों के अंदर ही बल्लेबाज आएंगे ना, तो ये आंसर हो जाएगा भाई चाय कॉफी पे, चाय कॉफी और पे। बताओ देखे लाड़ दो क्या होगा? आया हुआ क्वेश्चन है एसएससी जीडी में, एसएससी जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है। अगर इसको गलत बताया इसका मतलब है कि तुम्हारा एक नंबर एग्जाम में कट गया है। योगी नारायण जी आपका कट गया, प्रवीण जी सही है, झांसी जी झांसी की रानी है यहाँ पे। बताओ देखे लाड़ दो, आप में से कईयों की भैंस पानी में चली गई है, पूंछड़ा पकड़ के तुम भी चले जाना, आंसर क्या हो जाएगा? बी, क्योंकि पेय के अंदर यानी पीने वाली वस्तुओं के अंदर ये आपकी चाय वाले आ गए, जो गर्म चाय की प्याली हो कोई पिलाने वाली हो, लेकिन रंड वो नौकरी नहीं लगेगी तो कोई पिलाने वाली नहीं आएगी, फिर तुम खुद ही क्या करना, एक कम्बल लेके दुपट्टा लेके खुद ही ऐसे एक्टिंग कर लेना चाय चाय। लेकिन हाँ, एक पिलाने वाला आएगा वो ट्रेन में, अलग अलग डिजाइन से बोलेंगे वो मशियाल चाय चाय बोल, हाँ चाय बोलो चाय चाय। हाँ एक चीज और जरूरी नहीं कि वो आए, उसमें तुम भी जा सकते हो फिर मशियाल चाय करते करते, देख लेना फिर तुम भी करोगे मशियाल चाय शिक्षित चाय, तुम बोलोगे शिक्षित चाय एसएससी जीडी चाय जीडी स्पेशल चाय। बेटा नौकरी ना लगे ना फिर बोलोगे तुम एसएससी जीडी स्पेशल चाय जीडी रनिंग आउट चाय जीजी मेरिट चाय चाय पे चाय। हाँ देख लेना बेटा, जीडी में रह गया ना फिर यही बोलोगे जीडी स्पेशल चाय,
और साथ साथ बोलोगे एसएससी जीडी वालों के लिए फ्री, क्योंकि तुमको पता है बेचारा तीन साल से दुख पा रहा होगा, एसएससी जीडी वालों के लिए फ्री। अरे ट्रेन में ना मां मेरा तन चाय फ्री, पूरे दिन फ्री है, जीडी के एग्जाम के दिन पूरे दिन फ्री, मां मेरा तन है। हाँ राजस्थान में जैसे बसों के टिकट फ्री हो जाते हैं एग्जाम में, तो वैसे तुम भी ना पूरे चाय फ्री आज सिटी वालों के लिए फिर बोलना कि आज सिटी के लिए मां मेरा तन 12 घंटे लगातार चाय फ्री लाइव चाय। हाँ लाइव चाय फ्री, हाँ लाइव चाय फ्री एसएससीडी स्पेशल 12 घंटे मैराथन है, क्या बात है भाई लाडो। तो देख लेना चेक पे के अंदर क्या आगे बेटा, चाय और कॉफी दोनों आगे, ठीक है। चलिए जी भाई अगला क्वेश्चन लेते हैं। भवन लंबा आदमी, भवन लंबा और आदमी, अरे लंबा, इसका आंसर बताओ, बहुत दिमाग वाला क्वेश्चन दिया है ये। भवन लंबा और आदमी, लंबा यहां हाइट से मतलब है, तो पहला नहीं होगा बेटा, पहला नहीं होगा, पहला गलत होगा। देखो बेटा ये है लंबा, तो इसमें से कुछ भवन भी लंबे हैं और कुछ आदमी भी लंबे हैं, कई तो बहुत ही भयंकर लंबे होते हैं भाई ऐसे, हाँ पूरे टोल खतरनाक। इसमें बताओ भाई नदी धारा महासागर, नदी धारा महासागर के समंदर पीर का मंजर है लेकिन रो नहीं सकता, या सु प्यार के मोती हम इनको खो नहीं सकता। लालो समंदर से एक बात याद आई कि समंदर क्या हुआ बीच में चुप, नहीं 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 नहीं, समुंदर धारा नदी धारा तो महासागर के भ्रमर कोई कुमुदनी पर मचल बैठा तो हंगामा, जो मेरे दिल में कोई खाब पल बैठा तो हंगामा, कब तक डूब कर सुनते ते सब किस्से मोहब्बत के, मैं किस्सों को हकीकत में बदल बैठा तो हंगामा। देखो लाडो नदी धारा तो समुंदर, परवा क्या होगा परवा, कि मैं उसका हूं वो इस एहसास से इनकार करती है, बरी महफिल में भी रुसवा मुझे हर बार करती है। बताओ देख लो बताए लाडो क्या होगा। देखो बेटा ये क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, अपोजिट डब्ल्यू का अपोजिट डी, यू का अपोजिट एफ, एस का अपोजिट एच, तो एम का अपोजिट एन, के का अपोजिट पी और आई का अपोजिट आर, एन पी आर, ये रहा आपका एन पी आर, ठीक है। क्या है एन पी आर, प्यार से ले लीजिए एन पी आर। इनमें से एक अलग है भाई, कौन सा है अलग, बताइए कौन सा। देखो लाड़ दो इसमें क्या है कि इन दोनों के बीच में आई जी एच, यानी बीच में इनका अक्षर है, इन दोनों में भी इनके बीच का अक्षर है, इन दोनों में भी बीच का अक्षर है, ये अलग हो गया, ठीक है, ये बिल्कुल अलग हो गया। हाँ जी कि कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है,
मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। तू मुझसे दूर कैसा है, मैं तुझसे दूर कैसी हूं, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। नजर में शोखियां लब पर कैसे, देखो लाड लो है प्लस दो है इसमें, देखो लाड दो, प्लस तीन प्लस तीन प्लस तीन प्लस तीन प्लस तीन प्लस तीन प्लस तीन, यानी प्लस तीन तिरवा, तो इसमें प्लस तीन करेंगे क्या जाएगा, पी, प्लस तीन करेंगे एल, प्लस तीन करेंगे ए, तो पी एल ए क्या हो जाएगा भाई, पी एल ए, पीले चाय पीले। चलिए जी अगला, यदि इसको इस प्रकार लिखा जाए, उसको इस प्रकार लिखा जाए, तो इसको किस प्रकार लिखा जाएगा, जल्दी से बताओ। कि मैं उसका हूं, वो इस एहसास से इनकार करती है, भरी महफिल में भी रुसवा मुझे हर बार करती है, जल्दी से बताओ। देखिए लाड लो जल्दी, गुरु जी नींद आवे ऐता भजन गार, नींद आवे जर तुम काहे ग्रुप जब है। लाडलो एकेडमी के नए बैच स्टार्ट हो गए हैं आज से, जिसको भी आना है लाडलो आ सकते हो भाई, ठीक है। एकेडमी हमारी है कुचामन सिटी, कुचामन सिटी राजस्थान में, कहां पर है राजस्थान में, राजस्थान में कहां पर है, जयपुर, ठीक है। राजस्थान में कहां पर है, जयपुर के पास में कुचामन सिटी, यहां पर अकेडमी के लिए हेल्पलाइन नंबर नोट कर लीजिए भाई, 9588108608, अगर आप अकेडमी में आना चाहते हो लाड लो तो आ सकते हो, आपका स्वागत है जी, ठीक है। देखो लाड लो क्या आएगा, इनका सबका योग क्या हो जाएगा, 8, इनका सबका योग क्या हो जाएगा बेटा, 10, इन सबका योग 5 और 5 10 और 3 तेरा, आंसर क्या हो जाएगा, तेरा, ना तो तेरा ना ही मेरा आंसर हो जाएगा बेटा, बिल्कुल तेरा, हाँ तेरा तुझको अर्पण है। बताइए देखिए क्या आएगा, बहुत ही गजब का क्वेश्चन, कमाल का, बहुत इजी क्वेश्चन, सटासट देने वाला इजी भाई, जल्दी बताओ। कि मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी, देखो बेटा क्या हुआ है, 2 4 8 16 32, यानी उल्टा क्रम चल रहा है इसमें, देखो +3 +4 +5 +6 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा मेरे लाडलो, क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा भाई, क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा भाई, क्या आ जाएगा मेरे लाडलो, 24 आ जाएगा, हाँ जी बिल्कुल 24 आ जाएगा मेरे लाडलो। चलिए भाई बताइए, जल्दी बताइए कि रात घनी अंधेरी है, कुछ देर तो ठहर मेरे लाडले, सवेरा होने में कौन सी देरी है। बहुत इजी क्वेश्चन है, 14 14 से अगली संख्या कौन सी है, 15 15 का ये रहा वर्ग, 17 17 से अगली संख्या 18 18 का वर्ग, 324, हाँ जी बिल्कुल सही है आपका, बहुत ही गजब के आंसर दे रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त, उम्मीद है ऐसे ही आप आंसर SSGD के पेपर में दो और आपके 100 में से धुआंधार पेपर फाड़ के 90 नंबर आ जाए भाई, ठीक है, इतना ही जोश वहां रखना। बताइए भाई लुप्त संख्या, अच्छा चिड़ियाघर राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभयारण्य, चिड़ियाघर राष्ट्रीय उद्यान में आता है, तो वन्य जीव अभयारण्य किसमें आता है, जीव मंडल रिजर्व में, जंगल में, वनस्पति उद्यान और घास के मैदान में, बताओ बेटा। अरे चिड़िया चोंच भर ले गई, नदी न घटियो नीर, दान दिए सियू धन न घटेर, के गए संत कबीर मेरे लाड लो, अरे बताओ देखे लाड लो,
बताओ लाडू जल्दी से क्या आएगा? अकेडमी कहां पर है? अकेडमी कुचामन सिटी में लाड दे, बताओ देखिए जल्दी से। हाँ बिल्कुल सही आंसर दिया आप सभी ने, लगभग लगभग एक तरफा आंसर क्या है, जीव मंडल रिजर्व। अगला बताइए लाड लो, एफ डी एच एफ के एच ओ जे, अगला क्या आएगा जल्दी से बताओ देखे लाडो, जल्दी 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 करो। अरे हाँ भाई जल्दी जल्दी लो, क्या आएगा भाई बताओ रे। प्लस दो प्लस तीन प्लस चार प्लस पाँच करोगे तो क्या आ जाएगा? टी, तो ये टी एल, ये ले और ज़्यादा स्पीड से बोल रहा। प्लस जल्दी जल्दी करो गुरु जी, ये लो जल्दी जल्दी बताओ देखिए, जल्दी जल्दी कर देंगे, बताओ भाई। जल्दी बताओ, जल्दी से लाड दो। अरे बहुत इजी क्वेश्चन है, जितना समझ रहे हो उतना हार्ड है नहीं, बताओ देखें। बताओ भाई देखो, प्लस पांच प्लस पंद्रह प्लस पैंतालीस, तो गुना तीन गुना तीन गुना तीन करेंगे कितने हो जाएंगे? 135। तो 135 प्लस 66 कितने हो जाएंगे? 201। अगला बताओ भाई, यदि परसों का दिन रविवार था तो आज से छठवां दिन सप्ताह का कौन सा वार होगा? यह है आपका एसडब्ल्यू और आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है लाड दो। इसका जवाब आपको किस में देना है? कमेंट बॉक्स में देना है कि यदि परसों का दिन रविवार था, परसों यानी कल नहीं परसों, तो आज से छठवां दिन सप्ताह का कौन सा होगा? बुधवार मंगल सोम और गुरुवार, कमेंट बॉक्स में इसकी रिप्लाई करिए। और लाड लो आप सभी को बता दूं कि कल जैसे ही पेपर होगा उसके तुरंत बाद मेरा वीडियो आएगा, ठीक है, तो आपको पूरे पेपर के रिव्यू कल रात की आठ बजे की जो क्लास होगी उसमें तीनों पेपरों का रिव्यू एक साथ कर दूंगा कि आज का पेपर कैसा आया, किस प्रकार के क्वेश्चन आए, रीजनिंग के कौन से क्वेश्चन आए, जीके के कौन से क्वेश्चन आए, ठीक है, और पेपर में बच्चों को क्या परेशानी आ रही है, टोटल जानकारी आपको कल रात की आठ बजे क्लास से पहले क्लियर कर दूंगा लाड लो, ठीक है। हाँ जी, अकेडमी हमारी कुचामन सिटी राजस्थान में, आप हेल्पलाइन नंबर लिख लीजिए अगर कोई भी जानकारी चाहिए, 9588810608 लाड लो, ठीक है। तो सुबह ध्यान रखना 9 बजे स्टेटिक जीके की क्लास है, फिर 11 बजे मैथ की, 3 बजे हिंदी की, और रात को 8 बजे मैं आपको पूरे रिव्यू के साथ मिलूंगा तीनों पेपरों के, कि पेपरों में क्वेश्चन क्या और किस प्रकार क्या है, और उनके एक एक वीडियो में दिन में भी आपको भेज दूंगा जैसे पेपर होगा उसके तुरंत बाद, ठीक है लाड लो। तो बोलिए एक बार मेरे साथ भारत माता की जय, और जिसने अभी तक लाइक नहीं ठोका ठोके देखे मेरा लाडलो देशभक्त। अकेडमी फ्री नहीं है बेटा, कोई धर्मशाला थोड़ना बेटा, यहाँ पर किसी से मांग के थोड़ ले आते हैं हम, तो फ्री में खिला दे हम, ये तो है नहीं कि कहीं रेलवे स्टेशन पे मांगने जाते हैं जो हमको फ्री में दे दे रहा हम आके खा ले, अकेडमी है बेटा है, फ्री नहीं है मेरे लाडले, फ्री में तो भीख ही मिल सकती है इस दुनिया में, इसके अलावा कुछ नहीं, और उसके अलावा इस दुनिया में अगर फ्री में चाहिए भीख भी फ्री में नहीं मिलती, सिर्फ एक माँ का प्यार है जो फ्री में मिलता है, इसके अलावा और कुछ नहीं इस दुनिया में, ठीक है। माँ बाप का जो प्रेम है स्नेह है वो फ्री में मिलता है बेटा, भीख के लिए भी लोग चार बात बोलते हैं, समझे, कि तू भीख मांगने कोई आएगा तो तू तो कमा के खा सकता है, तू तो ये कर सकता है, कहाँ भीख मांग रहा है, ऐसा ऐसा ज्ञान बहुत है। रावण ने एक बात कही थी, क्या, कि गलती के समय शिक्षा सभी देते हैं लेकिन भाई वही है जो साथ दे, समझे, जब आपसे कोई गलती हो जाती है शिक्षा सब देने आ जाएंगे बेटा, अरे ऐसे कैसे कर दिया, ऐसे
लेकिन सच्चा मित्र दोस्त वह है जो आपका साथ दे, उस गलती को, उस गलती से आपको बचाए, आपको निकालने में आपका साथ दे। ठीक है, ज्ञान देने वाला नहीं है, ज्ञान देने वाले ज्ञानचंद जी बहुत घूम रहे हैं। हाँ, ज्ञान तो ऐसे देंगे और तुम यार ये वो ये फलाना डिमकार पूंछड़ा। अरे साथ देने वाला चाहिए, ज्ञान वाला नहीं बेटा। ठीक है, सुबह 9 बजे उपस्थित हो जाना। चुपचाप चिड़ी का बाप पहली बोले बिन 12 महीना पाप, चुपचाप पढ़ाई कर लो, पढ़ लो। जय हिंद, जय भारत, मेरे लाड लो। हाँ जी, जय हिंद। सुबह 9:30 बजे लाड लो, 9 बजे। सर मेरी लुगाई ने आपके मायके चली गई है, उसने बोला कि जब एग्जाम पास करोगे तभी आऊंगा। सही बात बोलिए बेटा, देख ले फिर।